जय माता दी। जय माता। तो पावागढ़ यात्रा के लिए हम भी दर्शनार्थियों के साथ हम भी जा रहे हैं। हमारे साथ में परेश भाई है, जगदीश भाई है। पहली बार आना हुआ है यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने के लिए, और बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। कल संडे था तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। हाँ, रविवार और शनिवार को तो बहुत ही ज़्यादा रहती है, बहुत 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 भीड़। तो देखिए, दूर दराज से जो भक्त है वो अपना ध्वज लेके आए हैं, कुछ मन्नत पूरी हो गई, वो सभी अपनी मन्नत उतारने के लिए आए हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ के। देखिए होटल वगैरह सारी चीजें हैं। बहुत ही गजब भीड़ होती है। किधर जाना है अपन को? उड़न खटोला। चलो हो गया, तो चलिए चलते हैं उड़न खटोला की तरफ। तो देखें यहाँ पे दशहरा जो है गुजरात के श्री माता रानी के दरबार में आए हुए हैं। दृश्य बड़ा ही जोरदार है। ये लोग पूरी मन्नत चढ़ाने के लिए आए थे। गंगा चढ़ाने। देखिए इनके हाथ में पूरा संसाधन है, और जैसे कि माँ काली के हाथ में रहता है वैसा वैसा। चले तो देवी में देवी, देवी महाकाली, तेरा वचन जाएगा खाली तो कौन कहेगा तुझे माँ काली। हेलो, अब उड़न खटोला में जाना है। कई भी जांच करा रहे हैं, कोविड सभी को सैनिटाइजर लगाने के बाद ही जाना जाता है। जय माता दी। जय माता। तो देखिए परम सौभाग्य की बात है कि जगदीश भाई साहब के साथ में आज माँ के दर्शन करने जा रहे हैं, और माँ के दर्शन करें आने का समय मिला है।